सभी की हरकतों से ईशान होगा परेशान और उठाएगा बहुत बड़ा कदम। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, आप देखेंगे कि सभी को इस बात का पता चलेगा कि उसे उसके ही कॉलेज के हॉस्टल में रूम नहीं अलॉट किया जाएगा और इस बात के लिए वो बहुत नाराज़ हो जाएगी और यहाँ आके राव साहब और ईशान से इस बारे में बात करेगी। बड़ा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर सभी ईशान के साथ वही इंसिडेंट होगा जो ईशान और रीवा के साथ हुआ था। अगर आपको याद हो तो रीवा और ईशान की पहली मुलाकात जो हुई थी वो ऐसी ही थी कि ईशान और रीवा मिलते हैं और रीवा का मोबाइल टीवी से कनेक्ट हो जाता है और वहाँ वो ईशान को फॉलो कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है ईशान के लिए, वो ईशान को नज़र आ जाता है और इस तरह दोनों के प्यार की रिश्ते की शुरुआत हुई थी। आज यहाँ पर भी सभी का फ़ोन टीवी से कनेक्ट हो जाता है और ईशान को रीवा की याद आ जाती है, वही घटना ईशान को याद आ जाती है और उसके बाद ईशान रीवा के साथ बिताए सारे पलों को याद करता है और उसे गुस्सा आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे सभी यहाँ बहुत कुछ कह रही है कि उसे हॉस्टल में रूम क्यों अलॉट नहीं किया जाएगा, रूल तो सबके लिए है, लेकिन यहाँ ईशान उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि इस समय उसे रावी का गुस्सा याद आ जाता है, रावी के साथ प्यार आज याद आ जाता है और यहाँ पर वो सभी पर भड़क पड़ता है और उठाता है एक बड़ा कदम कि कुछ भी हो जाए तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को मैं अपने हॉस्टल में रूम नहीं अलॉट करूँगा।